मनीष दुबे को भगाना है, भोला को बचाना है। मनीष दुबे को सस्पेंड कराना है, भोला को। मनीष दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीष दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीष को हटाओ, भोला को बचाओ। मनीष को हटाओ, मनीष दुबे चरित्र ही आज मनीष दुबे घर घर से है यही आवाज। ये नारे लग रहे हैं होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ और नारे लगाने वाली हैं महोबा की गुलाबी गैंग। महोबा में गुलाबी गैंग ने मनीष दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मनीष दुबे को न सिर्फ सस्पेंड करने बल्कि बर्खास्त करने और उस पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इसके संबंध में महोबा के उपजिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को गुलाबी गैंग ने ज्ञापन दिया है और कहा है कि अगर मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो गुलाबी गैंग बड़ा आंदोलन करेगी। और उनका यह मांग है कि महिलाओं के सम्मान में मनीष दुबे ने बहुत गलत किया है और ज्योति मौर्य प्रकरण के खुलने के बाद कई महिलाओं के तो उन अपराधियों के लिए है कि सारी बहनों की पढ़ाई बंद की जा रही है, है? क्या सबके बेटी नहीं है? इतने बड़े अधिकारी हैं, तुम्हारी बेटी पढ़ेगी कि इतिहास छोड़ेगी? आप बताइए ना, है? तो बेटी होगी, चाहे कलेक्टर की बेटी हो चाहे जिसकी बेटी हो, हम नारी के सम्मान में आए हैं और मनीष दुबे की बात करने आपसे इसलिए आए हैं कि आप हमारी बात राज्यपाल से देकर के महोबा से इसे सस्पेंड कराओ, बर्खास्त कराओ, और नहीं गुलाबी गैंग इतनी बड़ी चौकट लगा लेगा कि सबको मुश्किल पड़ जाएगा। गुलाबी गैंग ने राज्यपाल से मांग भी की है कि मनीष दुबे पर सख्त कार्रवाई की जाए और अगर ऐसी नहीं किया जाता है तो गुलाबी गैंग फिर खुद उन पर कार्रवाई करेगी। मनीष दुबे को तो इसलिए हटाना चाहिए कि इसको बर्खास्त करना चाहिए और इसके ऊपर एक मुकदमा लिखना चाहिए। अगर इस तरह से मुकदमा नहीं लिखा जाता तो गुलाबी गैंग इसको रोड में पकड़ के और मारेगी और इसको खुद बर्खास्त करेगी, फिर सरकार आके बर्खास्त करेगी।